आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भूरी वाले, जो कि गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा स्थापित एवं संरक्षित गौशालाएं श्री गोविंद गौधाम नस्ल सुधार एवं शोध संस्थान चांदपुर रुड़की, श्री गोविंद गौधाम संत नगर बुगड़ी भत्ती, श्री गोविंद गोधाम डल्लेवाल गढ़शंकर से नंगल रोड, श्री गोविंद गोधाम वृंदावन वाली कुटिया बीनेवाल, श्री गोविंद गोधाम तलवाड़ा, श्री गोविंद गोधाम लसाड़ा तहसील फिल्लौर जालंधर। पंजाब प्लस की टीम ने श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भूरी वालों से बातचीत की, जिन्होंने हमें गौ माता के बारे में बताया कि भारतीय देशी गाय माता का दूध बुद्धि को तेज व स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, यह सर्वोत्तम शक्तिशाली विषाणु रोधक सुपाच्य एवं पौष्टिक होता है। गौ माता की चमड़ी विषाणु रहित होती है, शरीर पर हाथ फेरने वाले का स्वास्थ्य सुधरता है। गाय का घी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला, दिमाग को बढ़ाने वाला विषाणु रोधक होता है। स्वामी जी ने बताया कि देसी गाय की जो डिमांड है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पाई जाती है। आइए करते हैं बातचीत श्रद्धेय स्वामी जी से। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्वामी कृष्णानंद जी, जो गौ सेवा के अध्यक्ष हैं और पिछले लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं। करीबन 8 के करीब गौशालाएं इनके नेतृत्व में चल रही है। स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। जय गौ माता, जय गोपाल। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। इस नाते को हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने निभाया और विश्व गुरु होने का गौरव पाया। गौ माता की कृपा से भारत सोने की चिड़िया का देश था। आज देश व विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं, हिंसा, आतंकवाद, बेरोजगारी, कोरोना जैसी भयानक बीमारियों का प्रकोप, उन सब से बचने के लिए हमको भारतीय नस्ल की वेद रक्षणा देसी गौ माता की सेवा रक्षा करनी होगी। जब हमारे पूर्वज गौ माता का अमृत तुल्य दूध पीते थे, दही घी आदि पंचगव्य का सेवन करते थे, तो उनकी निरोगी काया थी, बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां उनको नहीं होती थी। आज देश व विश्व में अनेकों बीमारियों का प्रकोप हो रहा है और कोरोना महामारी का प्रकोप हम सब झेल रहे हैं। हमको अपने पूर्वजों की भांति सर्वदेवी गौ माता की सेवा रक्षा करनी होगी। विश्व में भारतीय नस्ल की देसी गौ माता परमात्मा की हम सब प्राणी मात्र को दी हुई एक बहुत बड़ी निधि है, जिसका दूध ही अमृत तुल्य है। आज का विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि भारतीय नस्ल की देसी गाय का जो दूध है वो दुनिया की सर्वोत्तम औषधि है। हमारे शरीर के रोग तो दूर करते ही है, हमारा मन भगवान में लगे, मन में सतोगुण विचार हों, हम सब के भले की सोचें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला, सर्वे भवंतु सुखिना, ऐसा भाव हमारे हृदय में आए। गौ माता का हम शुद्ध सतोगुणी दूध पिए, रोगों से बीमारियों से बचें, मन शांत हो, मन में सद्भाव हो, प्राणी मात्र के हित की भावना हो, उसके लिए हम गौ माता की शरण ग्रहण करें। आज विश्व भर में भारतीय नस्ल की देसी गौ माता के दूध की बहुत बड़ी मांग है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में हमारी भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, राठी, साहीवाल, थार, पारकर, गिर, इन गायों की बहुत बड़ी मांग है। दो तरह का दूध आज संसार में चल रहा है, A1 और A2। जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है उसका दूध A2 माना जाता है। न्यूजीलैंड आदि विदेशों के विज्ञानी भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने तो जुगों जुगों से देसी गौ माता के दूध की महिमा को गाया है और वो अमृत तुल्य दूध है, उसका सेवन करना चाहिए। जो A1 दूध है वो भैंस और जर्सी गाय का है, तो आज का विज्ञान भी, डॉक्टर भी मान रहे हैं कि ये दूध पीने से कई तरह की बीमारियां मानव को होती हैं, इसलिए
परमात्मा की दी हुई सन्निधि को हम संभालें।